फ्लूट्स हमारे आसपास हर जगह होते हैं, चाहे वो हवा हो या पानी। लेकिन कभी सोचा है कि ये फ्लूट्स बिहेव कैसे करते हैं? आज हम फ्लूट्स डायनेमिक के मज़ेदार दुनिया में घुसेंगे और जानेंगे उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं डेंसिटी से। सिंपल भाषा में बोले तो डेंसिटी ये बताती है कि किसी फ्लूट के एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास होता है। जैसे तेल पानी के ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी को समझने से हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि फ्लूइड मिक्स होने पर या ऑब्जेक्ट डूबने पर कैसे बिहेव करेंगे। विस्कोसिटी, यह वो चीज़ है जो फ्लूइड को थिक या थिन बनाती है। हाई विस्कोसिटी फ्लूइड जैसे शायद पानी के मुकाबले में धीरे बहता है। विस्कोसिटी को फ्लूइड की इंटरनल फ्रिक्शन समझ सकते हैं। यह ऑयल से लेकर ब्लड तक सभी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। के बाद हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसी भी फ्लूइड का, क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली एग्जर्ट होता है। इस वजह से डीप सी डाइवर्स को ज़्यादा प्रेशर फील होता है जब वो ज़्यादा गहराई में जाते हैं। प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है और हर जगह और हर तरफ से एक जैसे फोर्स लगाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोनेंसी के बारे में कि कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता कैसे। जब आप बोट को देखते होंगे तो सोचते होंगे ये कैसे फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। तो ये समझाता है बायोनेंसी कि कोई चीज़ें क्यों डूब जाती है और कोई चीज़ें क्यों तैरती हैं। तो ये फ्लूइड द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ऊपर की फोर्स होती है जिसे बायोनेंसी कहते हैं। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट से ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस करता है, मतलब कि अपने से ज़्यादा फ्लूइड को रोक के रखता है, तो वो तैरता है। इसी प्रिंसिपल से सिर्फ तैरते हैं और हॉट एयर बैलून उड़ते हैं। इसके बाद आता है अपना सरफेस टेंशन। कभी सोचा है कि पत्ते पर पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? ये सरफेस टेंशन का जादू है। यह एक ऐसी फोर्स है जो लिक्विड के सरफेस को एक स्ट्रेच इलास्टिक शीट की तरह बिहेव करने देती है। इससे छोटे छोटे कीड़े पानी पर चल सकते हैं और बारिश की बूंदें बनती है। नंबर 6, फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड दो तरीकों से फ्लो कर सकती है। पहला है लेमिनार फ्लो और सेकंड है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो में फ्लूइड स्मूथली और ऑर्डरली फ्लो करता है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड केओटिक और मिक्स्ड होता है। नंबर 7 पे आता है कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइड को स्क्वीज करना। ये हमें कंप्रेसिबिलिटी बताती है कि फ्लूइड को कितना कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ये कंप्रेसिबल होती है, इसलिए उन्हें कंप्रेस करके स्क्यूबा टैंक के अंदर टाइट पैक किया जा सकता है। डेंसिटी से लेकर विस्कोसिटी तक, प्रेशर से बायोनेंसी तक, इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के वजह से फ्लूइड के बिहेवियर को समझना पॉसिबल होता है। ये इंजीनियर्स को बेहतर सिस्टम डिज़ाइन करने में और साइंटिस्ट को नेचुरल प्रोसेस समझने में और हमें इनकी यूनिक बिहेवियर से इंस्पायर करने में मदद करते हैं। अगर आपको फ्लूइड डायनेमिक्स की ये एक्साइटिंग वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि अगला हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही मज़ेदार साइंस और मैकेनिक्स के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।